किसी ने क्या खूब कहा है, संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण ना हो सकता हो। कारण कि परमात्मा प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। सोनल के साथ संडे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है किस किस की सुनूं। एक महात्मा चलते चलते थक गए तो वे एक जगह पर मंदिर में छांव देखकर पश्चिम में पैर करके सो गए। तभी एक व्यक्ति आया, उसने महात्मा को पश्चिम में पैर करके सोया देखा तो वह महात्मा को टोकते हुए बोला, महात्मन पश्चिम में पैर करके मत सोइए, पश्चिम में द्वारका है, अतः उधर पैर नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुनकर महात्मा पूर्व दिशा की तरफ पैर करके सो गए। तब दूसरे व्यक्ति ने पुनः टोकते हुए कहा, महात्मन ये क्या आप पूर्व दिशा की तरफ पैर करके सो रहे हो, पूर्व में तो जगन्नाथपुरी है। महात्मा उसकी बात सुनकर पुनः उठे और उत्तर में पैर करके सो गए। महात्मा सोए ही थे कि तीसरा व्यक्ति उधर से निकला और महात्मा से बोला, महात्मन ये क्या आप उत्तर दिशा की तरफ पैर करके सो रहे हैं, उत्तर दिशा में तो बद्रीनाथ है। महात्मा हैरान होकर दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सो गए। तभी एक अन्य व्यक्ति आया और कहने लगा, हाय हाय महात्मन आप दक्षिण में पैर करके सो रहे हैं, दक्षिण में तो रामेश्वरम है। चारों दिशाओं में चार तीर्थ जानकर महात्मा उठे और शीर्षासन कर लिया, जिससे पैर आकाश की तरफ हो गए। महात्मा को शीर्षासन की मुद्रा में देखकर पुनः एक व्यक्ति उधर से निकलते हुए बोला, ए भैया ये आकाश की तरफ पैर करके क्यों खड़े हो, उधर तो सूर्य चंद्र और बैकुंठ है, हाय हाय इतना बड़ा पाप। महात्मा ने लोगों की बातें सुनकर दुखी होते हुए निर्णय लिया, अब मैं खड़ा रहूंगा। जैसे ही वे खड़े हुए कि एक व्यक्ति आया और कहने लगा, हाय हाय ये क्या नीचे तो शेषनाग पर विष्णु जी हैं, तू उनके सिर पर पैर रखकर खड़ा हो गया, तुझे शर्म नहीं आती। ये हारे महात्मा परेशान हो गए और सोचने लगे किस किस की सुनूं। वे पहले की तरह ही चादर तान कर यह कहते हुए आराम से सो गए। किस किस को हसिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि यदि हमारा ध्यान केवल लोग क्या कहेंगे और लोग क्या कहते हैं इसी पर लगा रहा तो हम जीवन में किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं और कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि हमें आगे बढ़ना है तो लोग क्या कहेंगे की परवाह करना बंद करना पड़ेगा। थैंक यू।